आज पूरे विश्व में विश्व वसुंधरा दिवस मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी ग्रीन विजिल एवं महानगर पालिका नागपुर के संयुक्त तत्वावधान से अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जहां प्लास्टिक उपयोग के नुकसान के विषय में लोगों को अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल अर्थ डे पर्यावरण संरक्षण के विषय में समर्थन प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है और इसे अर्थ डे नेटवर्क नामक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ द्वारा वैश्विक स्तर पर समन्वित किया जाता है। आज अर्थ डे सबसे बड़ा नागरिक उत्सव बन गया है, जिसे 195 देशों और 1 बिलियन लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए नागपुर महानगर पालिका और ग्रीन विजिल फाउंडेशन, जो अर्थ डे नेटवर्क इंडिया का आधिकारिक पार्टनर है, नागपुर के सीतापट्टी बाजार क्षेत्र में नागरिक जनसंपर्क अभियान चलाकर अर्थ डे 2024 मनाया। इस वर्ष के अर्थ डे की थीम प्लैनेट बनाम प्लास्टिक का प्रचार करते हुए ग्रीन विजिल फाउंडेशन के सदस्यों ने दुकानदारों, ग्राहकों, नागरिकों को प्लास्टिक के खतरे, प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरण, मानव और जानवरों पर इसके प्रभाव के बारे में बताया और रंगीन और सूचनात्मक तथ्यों और पोस्टरों का उपयोग करके प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके विषय में जानकारी दी ग्रीन विजिल के संस्थापक कौस्तुभ चटर्जी ने। नमस्कार, इनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज पूरे विश्व में विश्व वसुंधरा दिवस मनाया जा रहा है, उसी महत्व के मद्देनजर ग्रीन विजिल फाउंडेशन द्वारा कौस्तुभ चटर्जी साथ ही साथ उनके साथियों के सहयोग से जो है आज एक कार्यक्रम यहां मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है ग्लोकल मॉल के समीप, जहाँ की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कौस्तुभ चटर्जी। क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की संकल्पना है इस साल की जो है विश्व वसुंधरा दिवस मनाने की, और जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बताना चाहूँगा कि 1969 में कैलिफोर्निया में सैंड बारबारा में एक भयानक ऑयल स्पिल हुआ, जिससे उस समय जो वहाँ के सेनेटर थे गेरॉल नेल्सन, उनको ऐसा लगा कि हमें पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए, और उनकी संकल्पना से शुरू होके आज 195 देशों में अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पहली बार 1970 में मनाया गया था और करीब 1 बिलियन पीपल इसको फॉलो करते हैं, और हम अर्थ डे नेटवर्क के ग्रीन विजिल फाउंडेशन ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। अर्थ डे नेटवर्क इंडिया का हेड ऑफिस कोलकाता में है और यहाँ पे लीड करती हैं डॉक्टर करुणा सिंह। इस बार का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस के सारे जवान हैं और हमारे साथ तांबे जी हैं जो इनको हेड करते हैं, वीरसेन तांबे जी। ये सारे जो अधिकारी हैं ये आर्मी एयरफोर्स के एक्स एम्प्लॉय एक्स लोग हैं, और ये कई करीब 5-6 साल हो गए यहाँ पे प्लास्टिक के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्थ डे ने जो आज थीम रखा है नागपुर शहर में, एनडीएस और नागपुर महानगर पालिका इस थीम पे विगत करीब 5-6 सालों से काम कर रही है। इस जो है इस उपक्रम के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से आप ट्राई किया जाएगा प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, जिस प्रकार से आपने बोला है प्लास्टिक का जो है प्लास्टिक का जो गैर वापर हो रहा है उसे किस प्रकार से संपुष्ट में लाया जाएगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्लास्टिक को हमने ही आविष्कार किया था और आज प्लास्टिक हमारे अंदर में इस तरह से समा गया है कि ये बोलना कि कल से हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे बड़ा असंभव है। तो इसलिए हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे पहले उन्होंने टारगेट पे लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार हो। सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, रैपर्स में यूज करते हैं, प्लेट हो गए, थाली चम्मच प्लास्टिक के हम लोग यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं जो हम करके फेंक देते हैं। तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगा सके तो जो देश में जितना प्लास्टिक उत्पादन है या जितना प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट होता है उसमें करीब करीब 40% हम रोक पाएंगे। तो आज का अभी का भारत देश का टारगेट है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना पूरे विश्व में विश्व वसुंधरा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते ग्रीन विजन फाउंडेशन द्वारा काफी सराहनीय कदम यहाँ उठाया जा रहा है। महानगर पालिका एवं ग्रीन विजन फाउंडेशन साथ ही साथ जो है अर्थ नेटवर्क के जो है संयुक्त तत्वावधान से ये कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है वर्दियों में सुसज्जित यहाँ पुलिस फोर्स भी यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि देश की रक्षा में और देश की सुरक्षा में जिन्होंने की अपनी संकल्पना जो है यहाँ
दी है। ग्रीन विजल फाउंडेशन के मेंबर्स भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ जो है शहर को सुंदर और प्रकृतिशील बनाने का जो है यहाँ संकल्पना ग्रीन विजल फाउंडेशन द्वारा ली गई है, जो कि काफी सराहनीय है। विश्व वसुंधरा दिवस के अवसर पर जो प्लास्टिक हमें अंदर से खा रहा है, जो प्लास्टिक प्रकृति को अंदर से खा रहा है, कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक के यूज को रोकने का संदेश ग्रीन विजन फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर। ज्ञात हो कि तेजी से बढ़ता प्रदूषण ह्यूमन लाइफ के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान प्लास्टिक की थैलियों का होता है। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की थैलियां सैकड़ों सालों तक डीकम्पोज नहीं होती है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक के बैग्स पानी के साथ समुद्र में चले जाते, जिससे समुद्री जीव जंतुओं की जीवन खतरा मंडरा रहा है, जिससे हमारी पूरी इकोसिस्टम खतरे में है, जिसके चलते प्लास्टिक के उपयोग को जल्द से जल्द नकेल कसना जरूरी है। अन्यथा वसुंधरा की सुंदरता नष्ट तो होगी ही, पृथ्वी चरों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।